खाखड़ा नांगल बांध बनते वक्त वहां काम कर रहे एक नौजवान सिविल इंजीनियर ने जब ये देखा कि नदियों की धाराएं बदली जा सकती हैं, तो उसने सोचा कि समाज की धाराएं भी मोड़ी जा सकती हैं। जेकर आज असी दरियावां दे रुख मोड़ सकने आ, तो असी जिंदगी दे रुख क्यों नहीं मोड़ सकते, समाज दे रुख क्यों नहीं मोड़ सकते। ये मेरी पहली प्रेरणा थी। नौजवान इंजीनियर ने नाटकों और गीतों का इस्तेमाल समाज में बदलाव के लिए करना शुरू किया। उसने अपने नाटकों के लिए विषय, संसाधन और कलाकार समाज से ही जुटाए। ओ वट्या पहलवाना, ओए तू मेरे नाल की बोलेगा? ओ तू वटा चोर, ओए तेरा बिल्लू चोर, ओ बिल्लू दी मां चोर, ओए तेरा सारा खानदान चोर। The Sangeet Natak Academy and its associate bodies, and I may add the National School of Drama, deeply mourn the sad demise of Academy fellow Shri Gurshan Singh, eminent playwright, actor, and director of Punjab. We are here to mourn the passing of a very great theatre personality of contemporary theatre, but I think more than that, we are here to celebrate a great life in the theater. Theater mein apne aap ko puri tarah se unhone samarpit karke theater mein jiya, aakhri dam tak jiya. Kai log kaha karte the bahut loud hai, bahut unchi unchi unki wo hai. Ab unka apna commitment tha kisi ek ideology ke sath, uske sath wo darjanon saal se jude hue the, usko se hatna hi nahi chahte the. 16 सितंबर 1929 को सियालकोट में जन्मे गुरुशरण सिंह का मानना था कि कला जनता के लिए होती है और इस तरह वो व्यवस्था की विरोधी होती है। नाटक का वैसे बड़ा रोल है जे पूरी तरह समझा जावे। आमतौर पर नाटक में थिएटर थिएटर दी अपनी विधा है, थिएटर विच नारा नहीं होना चाहिए, थिएटर विच ये नहीं होना चाहिए। ये सारियां गल्लां हुण पिछे रह गई। गुरुशरण सिंह ने नाटकों के जरिए समाज में अपनी मौजूदगी जताई। 60 के दशक में उन्होंने लगभग 200 नाटक लिखे और उन नाटकों के हजारों मंचन किए। बराबरी और न्याय पर आधारित समाज के लिए लड़ने वाले गुरुशरण सिंह कट्टरता, धर्मांधता और पुरातन पंथ के प्रखर विरोधी थे। सिविल इंजीनियर की नौकरी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर उन्होंने कला के जरिए जो अभियान शुरू किया वो मरते दम तक चलता रहा। शहरी रंगमंच के बारे में उनकी राय थी कि वो गांव के गरीबों के लिए किसी काम का नहीं है। वो कहते थे कि अगर लोग नाटकों तक नहीं पहुंच सकते तो नाटक को खुद चलकर उन तक पहुंचना चाहिए। याद होना है जो मुट्ठी पर चौल कीता थी बंगाल दे काल उते, ओ ड्रामे ने लोगों नु हिला देता थी। जालंधर टीवी पर चलने वाले उनके लिखे धारावाहिक भाई मन्ना सिंह की धमक गांवों तक पहुंची। इस नाटक में वो खुद भाई मन्ना सिंह का रोल किया करते थे। निजी जिंदगी में भी लोग उन्हें भाई मन्ना सिंह के नाम से पुकारने लगे थे। रंगमंच नु अपनी जिंदगी बना चुके ने श्री गुरशरण सिंह जी, साडे भाई मन्ना सिंह जी।
इमरजेंसी से लेकर पंजाब में उग्रवाद तक का गुरु शरण सिंह ने मुखर विरोध किया। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, लेकिन वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटे। एक जोश, एक उमंग आती थी उनके साथ काम करते, अभी भी आती है। अभी तो पाजी कहीं नहीं गई, पाजी हमारे दिलों में है। उन्होंने जो हम में एक जज्बा पैदा किया है नाटक करने का, आम आदमी के लिए, वो सब हम, मुझको लगता है कि हमारे अंदर रहेगा। एक ऐसी विधा है रंगमंच जो बोलती है, और उनके साथ तो ना वही जुड़ गया, बाबा बोलता है। बाबा आज भले ही चुप हो, उसके फहराए हुए झंडे हवा में लहराते रहेंगे। इरफान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।